यो गाइज, वेलकम बैक टू द शो एंड वेलकम टू द शो सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी सर। ये शो स्टार्ट करने से पहले मेरा एक कलीग है जिसको शायद आपकी ये मोटिवेशनल स्पीचेस की ज़रूरत है, तो मैं स्टार्ट बाद में करना चाहूँगा। पहले मैं आपसे वो हेल्प ही मांगना चाहता हूँ कि क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है कि किस तरीके से कॉम्बैट स्पोर्ट्स में एंटर कर सकता है, क्योंकि उसके लिए आसान नहीं है। तो बेसिकली आपका इतना लंबा प्रोफेशन है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप उसको कुछ इनसाइट्स प्रोवाइड करें और कुछ अच्छे से गाइड कर दें। देखिए, आपको डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए और आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अगर चाहें ना तो आप दुनिया जीत सकते हैं। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप बॉक्सिंग ट्राई कीजिए, बल्कि आपको मैं बताता हूँ, आपको ना आर्म रेसलिंग ट्राई करनी चाहिए। अरे पर सर, इसको तो रहने ही देते हैं, अभी बिज़नेस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी ये मैं बिज़नेस वाले फील्ड में घुसा हूँ, तो मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरे को कुछ स्केलिंग टिप्स दें जिससे मैं अपने बिज़नेस को अच्छे से स्केल कर पाऊँ। मैं आपको बताता हूँ, आप ना एक काम करो, ये सब ये कुछ नहीं होता भाई, एफर्ट मेहनत मेहनत करने से कुछ नहीं होता। आप ना एक काम करो, आप मेरा कोर्स खरीद लो, क्योंकि अगर आप मेरा कोर्स ले लोगे आपको उसमें करना कुछ नहीं होगा। आप ना दो लोगों को ले आना बस अपने साथ और उन दो लोगों से कहना कि वो आगे कर लें, बस आप अगर ये करोगे आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। तो भाई बंद कर भाई। यो गाइस, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड एक बहुत ही पॉपुलर और एक बहुत ही कॉमन टर्म के साथ, जो कि है मोटिवेशन। तो व्हाट एग्जैक्टली द मोटिवेशन इज एंड डू वी रियली नीड इट, बिकॉज मोटिवेशन इज नॉट अ मटेरियलिस्टिक थिंग। तो अगर हम उसके डेफिनेशन देखने जाएं तो हमारे पास सेवरल डेफिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू पीपल्स ओपिनियन और बुक्स के अकॉर्डिंग, बट जो मोस्ट बेसिक डेफिनेशन आपको इंटरनेट पे और कहीं पे भी मिल जाएगी वो यही होती है कि इट इज बेसिकली अ ड्राइविंग फोर्स जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान किसी तरीके से एक्ट करता है। अगर हम उसको ब्रेक डाउन करना चाहें तो ब्रेक डाउन करके हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि इट इज़ बेसिकली या पैशन या फिर विलिंगनेस किसी काम को करने की या फिर डिजायर अपने गोल्स को अचीव करने की, एंड गोल्स कुड बी एट एनी लेवल, वेदर इट इज प्रोफेशनल, वेदर इट इज पर्सनल और इट कुड बी एट एकेडमिक लेवल। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो एक ह्यूमन बिहेवियर पर साइकोलॉजिकल रिसर्च की जाती है बाय सम थ्योरिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, एंड दे केम अप विद अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड दे टर्म्ड इट एज मोटिवेशन। जितनी कूल ये डिस्कवरी थी उतने ही डाइसिस के साथ सवाल एसोसिएटेड थे कि क्या हमको इस मोटिवेशन टर्म की सच में जरूरत भी थी, क्या वो जो साइकोलॉजिस्ट और वो जो थ्योरिस्ट एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे क्या वो लोग मोटिवेटेड नहीं थे, या फिर जो सोसाइटी थी वो उस टाइम पे उतनी प्रोग्रेसिव नहीं हुआ करती थी। वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि जब भी हम कोई रिसर्च मेंटल फैक्टर्स को लेके करते हैं या फिर उस पर एम्फेसिस किया जाता है, वेदर इट इज सिविलाइजेशन और वैल्यूज, तो उसके पैरेलल एक इमोशनल साइड भी डेवलप होती है, एंड विद द इमोशंस सोसाइटी बिकम वीक और उसमें वल्नरेबिलिटीज आती हैं, उसमें कुछ लूप होल्स आते हैं, और इन वल्नरेबिलिटीज के बीच में कुछ स्मार्ट लोगों ने ढूंढी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और एक फ्रॉडुलेंट प्रोफेशन ने जन्म लिया जिसको बोला गया मोटिवेशनल स्पीकिंग। अभी मोटिवेशनल स्पीकर किस तरीके से ऑपरेट करते हैं उसको जानने से पहले हमको दो चीजों के बारे में जानना होगा, द फर्स्ट इज लिटरेरी ऑथर्स एंड द सेकंड आर स्पीकर्स। सम पीपल आर विजुअली सो टैलेंटेड कि वो अपनी हाइपोथेटिकल स्टोरीज को भी इतने कन्विक्शन और इतनी डेप्थ के साथ हम लोगों के सामने पेश करते हैं या फिर अपनी राइटिंग्स में दिखाते हैं कि हम बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो चीजें रियल हैं। इसका प्राइम एग्जांपल है हमारा सिनेमा, हमारी मूवीज और हमारी नॉवेल्स। जिस तरीके से आप किसी भी मूवी के साथ अपनी फेवरेट मूवी के साथ हुक कर जाते हैं एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट वी आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी, और अगले कुछ दिनों के लिए हम उस मेन कैरेक्टर की तरह ही अपनी लाइफ में जीना शुरू कर देते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड जो हमारी रोमांटिक नॉवेल्स होती हैं उसको पढ़ के हम इतना फैंटेसाइज करना शुरू कर देते हैं परफेक्शनिज्म को कि अपने पार्टनर को एज अ परफेक्ट फिगर देखना शुरू करते हैं, दैट इज नॉट इवन प्रैक्टिकल। एंड देयर कम्स द सेकंड पार्ट, द स्पीकर्स। कुछ लोगों के पास इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो उस झूठ को भी आपको ऐसे बेचते हैं कि आपको यकीन हो जाएगा कि वो सच बोल रहे हैं। आपके सामने आपको ही फ्यूचर बेच के चले जाते हैं और आप समझ भी नहीं पाते हैं उनके कन्विक्शन की वजह से। नहीं नहीं, पॉलिटिशियन पे शॉर्ट नहीं है। नाउ फ्यूज इट, ब्लेंड इट, और ब्लेंड इट जो हमारे पास निकल के आता है वो है मोटिवेशनल स्पीकर्स। दीज गाइज डोंट इवन हैव देयर ओन सक्सेस स्टोरीज, वो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि एक झूठ को इतनी सफाई से बार बार बोला जाए कि वो सच साउंड करने लगे। अब मैं इनको नाम लेके एक्सपोज करता हूँ। सोनू शर्मा, एक बहुत ही रिनाउंड नेम जो शायद इंडिया के टॉप 5 मोटिवेशनल स्पीकर्स में आते हैं, एक इंटरनेशनल स्टेज पे चढ़ते हैं और ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने 2001 में अपनी CA कंप्लीट की एंड आफ्टर दैट उन्होंने 4 साल टैक्सेशन पढ़ाया। बट अकॉर्डिंग टू ICAI कोई भी सोनू शर्मा नाम का या फिर कोई भी भूपेंद्र शर्मा नाम का जो उनका रियल नेम है ऐसा कोई स्टूडेंट उस बैच में था ही नहीं। नेक्स्ट कम्स प्रफुल बिलोरे, MBA चाय वाला। वेन यू आर बिल्डिंग समथिंग तो आपको अपने रिश्तेदारों से मिलने की जरूरत नहीं है, सबसे बोल दो कि भाई मैं काम कर रहा हूँ और ये सब चीज़ें करने के बाद ही आप लोगों से मिलूंगा, अपने दोस्त छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ अपना काम करो। कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए फेमस हुआ करते थे, बट आजकल सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सीज में और आजकल सिर्फ आपको न्यूज़ में दिखते हैं, वो भी न्यूज़ ऐसी होती हैं कि जहाँ पे उनके ही फ्रेंचाइजी ओनर्स उनको एक्सपोज कर रहे होते हैं कि कैसे उनका जो बिजनेस है वो अब एक प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं बचा है। नेक्स्ट संदीप माहेश्वरी, एक कॉलेज ड्रॉप आउट। He claims that he does not even charge a single penny from his viewers, और फिर वो कैसे 36 lakh rupees डिमांड करते हैं फॉर पर्सनल sessions एट योर प्लेस एंड 9 lakhs फॉर द सेम सेशन एट हिज प्लेस। विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस, एक इतना बड़ा बिजनेस कि जिसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू 172 crore rupees रहा, एंड when वी डीप डाउन इन द businesses,
तो उनको पता चला कि वो कुछ भी नहीं, एक MLM स्कैम था। और ये सारी चीजें मैं नहीं बोल रहा हूँ, दे आर एक्सपोजिंग ईच अदर नाउ। नाउ डिस्कस देयर रियल बिजनेस प्लान। वी आर जनरेशन ऑफ सोशल मीडिया एंड इट इज क्वाइट कॉमन नाउ कि हम लोगों के अचीवमेंट्स को, लोगों के अकम्पलिशमेंट्स को देखकर बहुत जल्दी मिड लाइफ क्राइसिस फील करना शुरू कर देते हैं। इवन अ डिसेंट जॉब एंड अ डिसेंट सैलरी इज नॉट डिसेंट एनी मोर नाउ। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि जो भी सोशल मीडिया पर दिखता है इट इज नॉट ट्रू। लाइक दिस इज हाउ वी शूट, दिस इज हाउ वी पोस्ट। इट कुड बी एनीवन, चाहे मैं या आपका फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर, हम सब लोगों की दो पर्सनालिटीज हैं, एक इस कैमरे के उधर, एक इस कैमरे के इधर। सो यू गाइस डोंट नीड टू बी सैड, क्योंकि जितना ज्यादा सैडनेस आप अपने अंदर लेकर घूमेंगे, जितने ज्यादा डिप्रेस्ड, जितने ज्यादा आप हंगरी होंगे शॉर्टकट्स के लिए, उतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप बनेंगे उन लोगों के लिए। व्हाट दे एग्जैक्टली डू इज कि वो आपकी वल्नरेबिलिटीज से खेलेंगे और आपको एक स्टोरी बेचने का ट्राई करेंगे, जो कि स्टोरी तीन स्टेज में बेची जाती है। द फर्स्ट इज बिल्डअप, जहाँ पे वो आपको ऐसा दिखाएंगे कि कैसे वो आपके ही जैसे लोग, जो कि अभी फिलहाल शायद कन्फ्यूज्ड हैं, जिनको वो रास्ता नहीं मिल रहा है कि उनको एग्जैक्टली लाइफ में करना क्या है, या फिर जो कर रहे हैं उसमें उनको मजा नहीं आ रहा है, वैसे ही लोग आपको दिखाए जाते हैं कि कैसे वो उन लोगों के क्लाइंट बने। द सेकंड पार्ट इज ग्रोथ, वो आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो सेम लोग उनसे जुड़ने के बाद, उनके कोर्सेज से जुड़ने के बाद एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करके गए। एंड द थर्ड इज फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंशन, वो आपको ये बिलीव कराएंगे कि जो आप डेली रूटीन में काम कर रहे हैं या फिर जो आप जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए एनफ डेटा अवेलेबल है, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, तो वो आपको ये यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि ये जॉब जो है ये फ्यूचर में नहीं बचेंगी, या फिर उसमें इतना एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा फ्यूचर में। एंड द फ्यूचर इज डिफरेंट, इट इज समथिंग जो आपको इजीली, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी इंटरनेट पे, या फिर आपके आजू बाजू बहुत सारे लोग उस चीज को नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि उनके कोर्सेज में इंक्लूड होता है हाउ टू बी अ गुड कम्युनिकेटर, और हाउ टू बी अ यूट्यूबर इन 100 डेज, और हाउ टू बी अ गुड स्टॉक मार्केट ट्रेडर। अगर हम इन कोर्सेज को अच्छे से एक्सपेंड करके देखें तो इन कोर्सेज में एग्जैक्टली आपको एंड प्रोडक्ट बेचा जाता है, नॉट इवन द प्रोसेस। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द एंड प्रोडक्ट, प्रोसेस की बात हम फिलहाल साइड रखते हैं। अगर हम एंड प्रोडक्ट पे बात करें, अगर मैं आपको ये बता दूं कि आपको अल्टीमेटली वो बनना है, क्या आप ऐसे बन सकते हैं, आपको वो प्रोसेस जानने की जरूरत है। और प्रोसेस से भी इंपॉर्टेंट होता है उसको एक्सपेरिमेंट करना। अगर कोई कोर्स आपको प्रोसेस भी सिखाता है, लाइक आई एम अ यूट्यूबर नाउ, तो मैं आपको ये प्रोसेस सिखा सकता हूँ, ये एल्गोरिदम के बारे में बता सकता हूँ कि किस टाइम पे आप जब पोस्ट करेंगे तो आप वायरलिटी को चेज कर सकते हैं, या फिर मैं आपको ये सिखा सकता हूँ कि किस तरीके का कॉन्टेंट ज्यादा एंगेजिंग होता है लोगों के लिए। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर किसी भी क्रिएटर के पास होना चाहिए वो है उसका क्रिएटिव माइंड। लाइक आपने अपनी फर्स्ट वीडियो पोस्ट की अंडर माई सुपरविजन आफ्टर एनरोलिंग इन माई कोर्स, और वो वीडियो आपकी हिट हो गई, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आपने नेक्स्ट वीडियो के बारे में कैसे सोचेंगे, उस वीडियो के बारे में आप किस तरीके से रिसर्च करेंगे। तो ये चीजें आपको कोई नहीं सिखा सकता है। सेम गोज विद द कम्युनिकेशन, जब तक आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट ही नहीं करेंगे, ऐसे फ्रेजेस के दुनिया भर के कोर्सेज हम स्कूल में पढ़ के आए हैं, ऐसे दुनिया भर के कोर्सेज यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है। आप कितने भी टेंसेस पढ़ लीजिए, कितने भी एडवर्ब, कितने भी एडजेक्टिव की डेफिनेशंस आप पढ़ लीजिए, आप कभी भी इंग्लिश बोलना अच्छे से कम्युनिकेट करना नहीं सीख पाएंगे, कभी भी वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड नहीं हो पाएगा। सो द ओनली कंक्लूजन इज कि ये सारे कोर्सेज प्योर बुलशिट हैं, रेदर देन दी एजुकेशनल कोर्सेज, जिसको आप पढ़ के शायद सच में अपनी एकेडमिकली ग्रोथ कर पाएंगे। इफ यू आर कंफ्यूज नाउ, प्लीज उठिए और काम करना शुरू कीजिए। चाहे वो गलत डिसीजन होगा, चाहे वो सही डिसीजन होगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप कुछ ना कुछ तो अचीव करेंगे, और जब आपके पास अचीवमेंट्स होंगे तो बाय प्रोडक्ट होगा कॉन्फिडेंस। सो यू गाइज डोंट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स स्कैम। द ओनली थिंग यू नीड इन योर लाइफ इज टू डू समथिंग, प्लीज स्टार्ट डूइंग समथिंग। एंड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो मैंने एक चीज बोली थी कि आपके गोल्स जो हैं वो मल्टीपल लेवल्स पे हो सकते हैं, वेदर इट इज एकेडमिक, प्रोफेशनल और पर्सनल। जिस तरीके से कोई इंजीनियर किसी डॉक्टर को ये नहीं सिखा सकता कि डॉक्टर कैसे बना जाता है, एंड द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, उसी तरीके से आप ये एनालाइज कीजिए कि कोई एक इंसान स्टेज पे खड़ा होकर आपको ये कैसे सिखा देगा कि आप हर फील्ड में किस तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास आई हुई ऑडियंस, सबके गोल्स अलग होते हैं। द ओनली थिंग कोई एक्सपीरियंस इंसान आपको सिखा सकता है वो है जनरल वैल्यूज आपकी लाइफ में, एंड फॉर दैट आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं है। आपके फादर, आपके मेंटर, आपके टीचर्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, दे आर द एक्सपीरियंस पीपल, और वो आपको हमेशा अच्छे से गाइड करेंगे। सो प्लीज टेक द राइट गाइडेंस। और मैं मोटिवेशनल स्पीकर जैसा साउंड कर रहा हूं, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई ईट देम। आसान है इनकी फ्रेजाइल ईगो को हर्ट करना, आसान है इनके स्कैम बिजनेसेस को एक्सपोज करना। सही तो बात यह है भाई, आसान नहीं है, करना पड़ता है। साइनिंग ऑफ।